नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में 10 सूत्री मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय आजमगढ़ पर धरना दिया, जिसके मुख्य अतिथि रहे प्रदेशीय महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि हम लोगों की पुरानी पेंशन खत्म, सेवा शर्तें खत्म, तदर्थ प्रधानाचार्य का वेतन खत्म तथा ग्रुप LIC आदि विभिन्न भत्ते खत्म हो चुके हैं। प्रबंधक यूनियन बनाकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार अनुदान वापस ले ले, मतलब वेतन भी खत्म हो सकता है। इसके लिए हम सब धरने के माध्यम से संघ के मांगों के समाधान हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। साथ ही सभा की अध्यक्षता कर रहे सुशील कुमार ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिटीजन चार्टर को लागू किया जाए। उन्होंने स्थानांतरण कैशलेस व्यवस्था एवं प्रबंधकों के चंगुल से निजात दिलाने के लिए विद्यालयों के राजकीयकरण की मांग को पुरजोर ढंग से उठाया। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का जिक्र करते हुए चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 12, 18, 21 तथा 22 पर भी अपना विचार रखा। धरने का संचालन हरि नारायण मिश्र ने किया। धरने में प्रदेशीय मंत्री बिरजू सरोज, प्रदेश कार्यकारी सदस्य आशुतोष विक्रम, जिला मंत्री संजीत यादव, उपाध्यक्ष अखिलेश द्विवेदी, राम सकल, मोहम्मद अहमद, परमानंद दुबे, अनुरोध मौर्य, अजय, अमीर खुसरो, संजय पाल, संजय शर्मा, शाखा मंत्री DAB अनुपम अगोचर, विकास कारूस आदि ने धरने को संबोधित करते हुए अपना विचार रखा। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। न्यूज के बैनर तले आज आजमगढ़ DIS कार्यालय पर हम लोग धरना दे रहे हैं। पुरानी पेंशन हम लोगों की खत्म हो चुकी है, उसको बहाल करवाना है, जिसको लेकर 1 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली में पूरे जनपद का माध्यमिक शिक्षक जा रहा है। और हमारी सेवा शर्तें खत्म हो गई है, हमारी तदर्थ प्रधानाचार्यों का वेतन खत्म हो गया है, हमारा ग्रुप LIC खत्म हो गई है, तमाम तरह के भत्ते खत्म हो गए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर लगातार हम लोग सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि हम लोग की जो खोई हुई चीज़ें हैं पुनः वापस हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम तो खाता पता सर अपना पर्चा देते हैं। मैं राजीव यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यादव, जिला अध्यक्ष अटेवा आजमगढ़। आज यहाँ समर्थन देने आए धरने, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शिक्षक कर्मचारियों की जितनी भी समस्याएं हैं, जहाँ भी इनके कार्यक्रम हैं या होंगे, हम उनका लगातार समर्थन करते रहेंगे। और हमारी जो मुख्य मांग है पुरानी पेंशन, उसकी बहाली के लिए दिल्ली में 1 अक्टूबर को अटेवा NMOPS के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम किया जाएगा। उसके समर्थन के लिए, उसमें प्रतिभाग करने के लिए, साथियों से अपील करने के लिए आज मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट, वैसे तो किसी परिचय का मैं मोहताज नहीं हूँ, लोग सभी जानते हैं, मेरा नाम सुशील कुमार, मैं DAV कॉलेज का प्रिंसिपल भी हूँ। यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आप भीड़ देख ही आप समझ सकते हैं कि कितना हमें जो है समर्थन मिल रहा है, कितना जनसैन्य लाभ हमारे साथ है। और दूसरा चीज़, 1 अक्टूबर को हम सभी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली चलें। और दूसरी चीज़, जो हम विभागीय स्तर पर जो हमारी लड़ाई है प्रांतीकरण की, राजकीयकरण की, वही एक ऐसा रास्ता है जिससे क्या कहते हैं कि विभाग में तमाम तरह की जो समस्याएं फैली हुई है उससे हम निजात पा सकते हैं। जैसे ट्रांसफ़र की समस्या है, ट्रांसफ़र के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती है और मैनेजर से जो है NOC लेना पड़ता है। और अभी इस बीच हाल ताज में एक और जो है वाक्य आया, घटित हुआ कि सरकार के द्वारा जो है वहाँ विधानसभा में वो एक पारित कर दिया गया शासनादेश, उसमें क्या कहते हैं धारा 21 और धारा 18 यह सब समाप्त कर दिया गया है, जिससे क्या कहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल के दोहन होने की संभावना है और होगा भी। इसलिए क्या कहते हैं, उसके विरोध में भी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, सरकार पुनः हमारे जो है बातों को सुने, विचार करे और उस जो है नियम को वापस ले जो उन्होंने इस बीच जो है फिर पारित किया है। ये हमारा जो है संकल्प है, इसके लिए हम लोग जो है आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक ज्ञापन के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास। कोई आपकी बातों को टाल सकता है, चाहे ये व्यास ऑफिस हो, आपका विद्यालय हो या फिर कोई भी हो, वो कह रहे हैं खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी, उनके कहने से नहीं कुछ होने वाला है। वो आप अगर चाहेंगे तो नहीं होता, लेकिन कब होगा ऐसा?
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।